नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। लाइव डेमो दिखाऊंगा मेरा बाई सेल लेवल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का सेटअप, चार्ट सेटअप का। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा वीडियोस है जो कि आप लोग को रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और बाई सेल लेवल, ये सब आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई सेल लेवल दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो और ये जो बाई सेल लेवल का ये जो डेमो दिखाऊंगा इसका मैंने ट्रेनिंग भी देता हूँ और कॉल सर्विस भी देता हूँ, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने आज एक्चुअली मैंने मेन फाइल को, मेरा जो मेन फाइल है उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो उसका अपडेट करना पड़ता है, तो इसलिए इसका जो नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का जो करेंट मार्केट चल रहा है, आज का जो चल रहा है उसका मैंने अपडेट कर लिया है, तो उसका देखता है। उसका हिसाब से पहले मैंने ये बाई सेल लेवल 1 देखता हूँ, ये कितना बाई लेवल दिखाता है, कितना सेल लेवल दिखाता है। तो बाई का साइड में देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर 20,074 के ऊपर बाई हो सकता है और निफ्टी 9369 के ऊपर बाई हो सकता है, और इधर 19,831 का नीचे सेल हो सकता है। ये तो ऑलरेडी नीचे चल रहा है 631 का नीचे, तो देखते हैं इसका क्या हो रहा है। हाँ, 631 का मैं सोच लीजिए 615 चल रहा है, सोच लीजिए 615 चल रहा है, तो कौन सा लेवल पे है। हाँ, तो इधर मैंने फिर से और भी लेवल देखना पड़ेगा इसका, इसका थोड़ा सा और भी एक अपडेट, मैंने अभी तक लेवल कुछ नहीं बताया, कुछ इसका चेंज हो गया है, इसका मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। 604 आ गया है, इधर आ गया है 604, 19,604 हो गया है, और इधर हो गया है 19,629, इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 19,629, इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और इधर जो है इसका जो देखता है 9,267 का लेवल, 67 लो मारा है, और इसका हाई अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 9,271, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये लेवल तो देख लिया 9,364 और 20,068, और इसका सेल का लेवल तो अभी चल रहा है 615 के नीचे फिर से जब आएगा, और ये 9,269 के नीचे जब आएगा, तो इसका मैंने एक लेवल देख लिया है, तो मैंने और भी कुछ लेवल्स देखता हूँ, और भी लेवल्स देखता हूँ। एक मिनट दोस्तों, मेरा एक कॉल आया है, मैंने रिसीव कर लेता हूँ। मैंने और भी लेवल देखता हूँ, और भी लेवल देखता हूँ इसमें, तो इसमें देखिए इसका जो गान का जो लेवल है वो भी मैंने देख लेता हूँ। तो मेरा जो कल जो मैंने आज मैं एक्चुअली आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला है, वो कैसे मार्केट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करता है वो आप लोग देख सकता है। ये देखिए, इधर 9,283 के ऊपर बाई लेवल दिखा रहा है, 19,647 के ऊपर बाई लेवल दिखा रहा है, और सेल का लेवल दिखा रहा है 9,259 और 19,611, ठीक है। मैंने ऑनली फ्यूचर्स का देख रहा हूँ, और इधर मूरेस का लेवल्स, मैथमेटिकल्स लेवल्स भी एक बार देख लेता है। मूरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स में इसका जो है 9,264 का नीचे सेल हो सकता है, और 9,240 के नीचे इसका सेल हो सकता है, सॉरी 9,264 के नीचे इसका सेल हो सकता है, और ये तो 635 का नीचे ही है, 19,600 का नीचे इसका सेल हो सकता है, ठीक है।
मैंने इसका इस लेवल को मैंने मेरा को और भी मैंने देख लेता हूँ 45 डिग्री एनालिसिस, सॉरी मैंने गान का 360 डिग्री एनालिसिस। गान बहुत सारा तरीका से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आप लोगों को कल दिखाया है। ये तो आप साइड का लेवल है और इस तरह डाउन साइड का जो लेवल दिखा रहा है इसका कौन सा लेवल पे है देखना पड़ेगा। 9240 के नीचे दिख रहा है, तो मेरा ये जो लेवल्स है अभी इसका सही लग रहा है। तो इसका जो लेवल है, ये जो डिग्रीज का लेवल्स है, ये सही लग रहा है। ठीक है, 9283 के ऊपर बाई होगा और 9259 के नीचे सेल होगा। ये 19647 के ऊपर बाई होगा और ये 19611 का नीचे सेल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 19617 आ रहा है, इधर 19611 के नीचे 19594-559 तक आ सकता है। और भी एक चीज़ आप लोगों को दिखा, मैंने आप लोग भी देखिए, मैंने भी थोड़ा सा स्प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, पेयर ट्रेडिंग में क्या होता है, मैंने पेयर ट्रेडिंग को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो पेयर ट्रेडिंग में क्या होता है, जो बहुत ही गिर गया है उसको बाई करना है और जो कम गिरा है उसको सेल करना है। तो सोच लीजिए आप लोग, ये देखिए 611 का लेवल आ गया है। ठीक है, तो इसका अभी देख सकता है इधर भाई सेल का लेवल क्या, हाँ 611, तो वो भी देखिए और इसको भी देखिए। देखिए पेयर ट्रेडिंग, मैंने सोच लीजिए इसको बाई किया है, बैंक निफ्टी को बाई किया है और इसको निफ्टी को सेल किया है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी फर्स्ट टारगेट लग गया है 594, फर्स्ट टारगेट लग गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट लग गया है। सोच लीजिए इधर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है और इधर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, इसको सेल किया है। ठीक है, इसको सेल किया है और इसको बाय किया है 611 से। सोच लीजिए फर्स्ट टारगेट इसका लग गया है, तो इसको मेरे को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 611 से ये 594 तक इसका फर्स्ट टारगेट हो चुका है, तो इसका फिर से मैंने अपडेट कर लेता हूँ। 592 तक शायद आया है, देख लेता हूँ एक बार। 576 तक आ चुका है, 576 तक आ चुका है ये 611 से। तो ये लास्ट मोमेंट है, ये कुछ खराबी ज़्यादा नहीं है। होपफुली आप लोग भी मेरे साथ एक भी करेंगे। 19619 और इधर अभी तक 67 का लेवल ब्रेक हो चुका है क्या, हाँ 67 का नीचे 9261 आ गया है। तो इसका देखिए, इसका जो सेल लेवल है इसको नहीं करता हूँ क्योंकि इसका लेवल कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। तो इधर 9259, तो 9259 के नीचे आया नहीं, इसका लेवल ब्रेक हुआ है, तो इसीलिए इसका सेल फिर से किया हूँ। तो इधर देखिए, इधर 601 के नीचे ये फिर से 19601 के नीचे फिर से सेल किया जा सकता है और बाई किया जा सकता है, इसका बाई किया जा सकता है 19637 के ऊपर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और इधर 9259 के नीचे 9200, हाँ जो ऑल जो बोल रहा था 611 से ये 576 तक आ गया है, मतलब 611 से 576 50 पॉइंट अभी तक इसका स्टॉप लॉस नहीं लगा है, इसको बाई किया है और इसको सोच लीजिए सेल किया है 9270 से। ठीक है, तो इसका देखता है, इसका 4 लॉट लिया है और इसका 1 लॉट लिया है। तो मैंने भी जस्ट देख रहा हूँ, तो देखिए इसमें पेयर ट्रेडिंग कैसे काम करता है। और इधर जो कोरिलेशन फैक्टर जो दिखा रहा है, इसमें कोरिलेशन फैक्टर कैसे काम करता है, उधर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और इधर मतलब बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और उधर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके ऐसे निकल के आता है। एक्चुअली जो लाइव मार्केट में जो होता है, निफ्टी जब मूवमेंट होता है, निफ्टी का जब 20 पॉइंट का मूवमेंट हो जाता है, उसमें इसका ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का 80-90 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी का दे देता है। तो इसीलिए जब आप लोग सोच लीजिए 4 लॉट लिया है, उसमें आप लोग का 80 मतलब सोच लीजिए 80 पॉइंट, ठीक है 80 पॉइंट का मतलब
6400 का ऊपर, और उधर से आप लोग को 20 पॉइंट का लॉस, मतलब 3000 का लॉस हुआ, तो इधर से आप लोग को 3000 का वाला प्रॉफिट आ जाता है। एंड बहुत ही मतलब क्या बोलता है सेफली इसका आता है, ब्रोकरेज वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसका देखिए सन टीवी और बजाज ऑटो में थोड़ा सा 90% के ऊपर दिख रहा है। इसका आप लोग को पेयर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो आर्बिट्रेज वाला जो लोग देखता है वो बहुत सारा लोग को आर्बिट्रेज वाला आर्बिट्रेज पसंद है, लेकिन इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म में पेयर ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल है और सेफ भी है। सन टीवी बजाज ऑटो को एक बार देख लेते हैं। इसका देखिए, इसका भी लग गया है, ये 59 के नीचे आ गया है, ठीक है, इसको सेल किया है 70 से सोच लीजिए, और इसको ये भी 584 का नीचे इसका सेल का लेवल था, मैंने पहले दिखा दिया था 568 तक आया है। इसका टारगेट क्या बन सकता है, टारगेट क्या बन सकता है इसका, 601 के नीचे 584, 549, 514 तक आ सकता है, और ये 47 23 तक आ सकता है, ठीक है, उसके बाद ये लेवल्स आ सकता है, देखते हैं कितना दूर आ सकता है। और ये सोच लीजिए 568 मतलब 70 इसका 611 से इसको सेल कर किया है, मतलब अभी तक इसका स्टॉप लॉस नहीं लगा है, तो सोच लीजिए इसका स्टॉप लॉस 4 डॉट में स्टॉप लॉस मैंने वो भी पकड़ता हूँ, मतलब सोच लीजिए अभी स्टॉप लॉस लग गया है, ठीक है। और इधर से इसको बाई किया था तो इसका सेल किया हूँ, आप लोग समझ रहा है मैंने पेयर ट्रेडिंग भी एक साथ कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, इसमें 4 लॉट में आपका 50 पॉइंट मतलब 4000 आप लोग का लॉस हो चुका है, और इसमें प्रॉफिट अभी तक दिखा रहा है 70 से 15 पॉइंट, ठीक है, तो देखना पड़ेगा, मैंने भी सोच देखता हूँ। और सन टीवी बजाज ऑटो का एक बार देख लेते हैं, सन टीवी को बजाज ऑटो को बाई करना है और सन टीवी को सेल करना है, ठीक है। तो देखिए 2428 से आप लोग बजाज ऑटो को बाई किया है और सन टीवी को सेल किया है, सन टीवी को सेल किया है 380 से, ये सन इधर 100 क्वांटिटी लिया है और इधर 800 क्वांटिटी लिया है, ठीक है। तो उस इधर से आप लोग देख लीजिए, इसको बाई किया है, इसको सेल किया है, ये देखिए 47 इसका टारगेट आ गया है, 45 आ गया है, 47 फर्स्ट टारगेट था, आप लोगों को सामने दिखा है टारगेट, ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट टारगेट लग चुका है, इसका भी 549 आया है, कह रही है एक बार आप लोग मतलब दोनों एक ही साथ दिखाता हूँ, पेयर ट्रेडिंग और ऐसे ट्रेडिंग जो नॉर्मल ट्रेडिंग जो होता है, इसका 517 तक इसका लो हो चुका है। आप लोग जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे ऐसे ही बैंक निफ्टी का, उसका भी देखेंगे, देखिए और पेयर ट्रेडिंग को भी कंसीडर कीजिए। इधर पेयर ट्रेडिंग होता था तो इधर से आप लोगों का 25 पॉइंट ऑलरेडी फ़ायदा होता था, इधर 4000 का लॉस हो गया है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इधर 25 पॉइंट का अभी तक गया है, 25 × 25 कितना जा रहा है एक लॉट में, 50 और बैंक निफ्टी के अंदर पेयर ट्रेडिंग हो सकता है, ऑलमोस्ट साथ साथ मूवमेंट होता है, इसका कोरिलेशन अच्छा ही रहता है, तो इसीलिए इसमें पेयर ट्रेडिंग हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे बजाज ऑटो सभी में पेयर ट्रेडिंग में आप लोगों को क्वांटिटी एडजस्ट करना ही पड़ता है। बजाज ये आप लोग सोच लीजिए, आप लोग को 100 क्वांटिटी लिया है, उसमें 3 पॉइंट लॉस हुआ है और 380 उसको सेल किया है, 380-45 से उसको 800 में सेल किया है, तो ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा, देखता है 75 × 25 ये क्या बोल कितना बोलता है, मैंने गलत कर रहा हूँ कुछ, 875 मतलब अभी तक लॉस में ही जा रहा है, तो देखता है
सकता है। इधर तो 517 लो हो चुका है और इधर भी 9245 लो हो चुका है। देखता है इसका 9245 और ये चल रहा है 9000। कल मैंने आप लोगों को जो गन का लेवल दिया था, जो भाई जो मैंने कैसे मार्केट प्रिडिक्ट हो सकता है इंटरडे में और लाइव मार्केट में, वही आप लोगों को चीज़ दिखा था, तो आप लोग उसको वो वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 19517 मेरा पिछले वाला वीडियोज भी देखिए, तो 19537 ठीक है। इसका फ्रेश बाई सेल लेवल क्या दिखा था एक बार देख लेता हूँ। देखिए कभी कभी मार्केट में मैंने इतना सारा बाई सेल लेवल आप लोग देख सकता है, कभी मैंने ये लेवल एक सेट ऑफ लेवल दिखाता हूँ, कभी एक सेट ऑफ लेवल दिखाता हूँ। मार्केट कंडीशन जैसा रहता है उसी में सूटेबल जो मतलब रहता है तो उसी का मैंने चूज़ कर लेता हूँ। तो कभी मुरेस का लेवल्स दिखाता हूँ, कभी ये गान का लेवल्स दिखाता हूँ, तो इसीलिए मार्केट कंडीशन जैसे चलता है उसमें से ये 9242 के नीचे फिर से सेल हो सकता है, 19520 के नीचे फिर से सेल हो सकता है, 19502 के नीचे ये आ जाएगा तो 19467 तक आ सकता है, 9230 के नीचे जाएगा तो 9206 के नीचे 2006 को तक आ सकता है। तो बेटर रहेगा इस लेवल पे सेल करना, और बाई हो सकता है किस में देखता है 19554 19572 के ऊपर और 9278 के ऊपर, मतलब इस लेवल पे बाई करना ठीक रहेगा, ठीक है 9278 और 19572 ठीक है। और इधर देखिए 505 मतलब 520 से 506 तक जो आया था उसका आ चुका है, ठीक है 520 506 तक जो आया था, इधर देखिए 502 तक टारगेट था, 505 तक आया, 502 का नीचे जाएगा तो 19467 तक जा सकता है, और ये 9242 से सेल है लेकिन इसमें टारगेट कम है तो 9230 से नीचे जाएगा तो 9200, ये सब एंगल में होता है दोस्तों, इस एंगल के एक बड़ा एंगल जब मिल जाता है तो इसमें इसीलिए बोलता हूँ। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी कल समझाया मैंने, आप लोग कल का वाला वीडियो जरूर देख लीजिए तो उसमें आप लोगों को बहुत ही सुविधा होगा। इसमें पेयर ट्रेडिंग चलेगा या नहीं चलेगा मैं भी देखता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का अंदर चलता है क्योंकि, और इधर देखिए बाजा चट्टो को बाई किया है और इसको सेल किया है, तो देखिए दोनों साइड से प्रॉफिट आ रहा है। शार्ट टीवी आप लोग 800 क्वांटिटी मैंने बोला था, तो जो मतलब ज़्यादा गिरा है पेयर ट्रेडिंग का मतलब यह है सस्ते वाला को, पेयर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज दोनों ही सस्ते वाला को बाई कीजिए और महंगे वाला को सेल कीजिए। तो इधर देखिए इधर ऑलमोस्ट 1 रुपीस का आप लोग को फ़ायदा हुआ, इधर 3 रुपीस का फायदा, ये 100 क्वांटिटी में 300 रुपीस और इधर 800 क्वांटिटी में 1 रुपीस मतलब 1100 रुपीस का आप लोग को प्रॉफिट हो गया है। तो ये मतलब इसको क्यों बाई किया, इसको क्यों सेल किया, बिकॉज ये ज़्यादा गिरा है, दिखता है 7.3% गिरा है और ये 0.77% गिरा है, तो ये मतलब ये ज़्यादा कम है, इसको बाई करना है और इसको सेल करना है। तो बैंक निफ्टी को इसीलिए उसी का कौन से बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है और ये कम गिरा है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी को बाई किया है और इसको सेल किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है, क्या कर सकता है कुछ नहीं। अच्छा इसका बाई का साइड में देखिए, बाई का साइड में इसमें लेकिन इक्विटी में मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल देख रहा था तो, लेकिन इक्विटी में ये पेयर ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया का चीज़ से काम कर सकता है। देखिए सन टीवी बाजार तो आप लोग एच डी एफ सी बैंक में भी कर सकता है, ठीक है और भी बहुत सारा है। ये 574 के ऊपर नहीं गया है, इसका बाई का लेवल 554 के ऊपर देखिए 572 के ऊपर चला गया था, लेकिन 500 इसका जब ये जाएगा तो ये 607 तक जाने का प्रॉबिटी है, टाइम भी हो चुका है, ये अभी नहीं हो सकता है, ये 9278 के ऊपर 9302 जा सकता है,
मैंने इस ये 574 किया था, लेकिन 554 से 572 तो आसानी से हो गया, लेकिन 572 से ऊपर जब जाएगा इसका जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा साइड मूवमेंट भी देख सकता है क्योंकि अभी टाइम हो गया है। आप लोग को 2 बार 3 बार मतलब ऑलरेडी आप लोग को टारगेट दिखा दिया तो कैसे अच्छी तरह से ये काम करता है, और मैंने जब जिसका लेवल में सुविधा होता है उसमें करता हूँ। तो देखिए इधर 574 के ऊपर देखता है ये 600 तक जा सकता, 607 तक जाता है कि नहीं जाता है 572 के ऊपर, और उसका जो लेवल है 9278 भैया 278 आया नहीं उसका, लेकिन गया है 660 के ऊपर, ये इसका लेवल है 78 तक जा सकता है। ये देखिए 614 हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका फिर से लेवल लग गया है इधर 607 के ऊपर, देखिए 572 के ऊपर मैंने बोला था, 554 से एक्चुअली था, लेकिन 572 से ऊपर 607 हो गया, ये 642 तक जा सकता है, इसके बाद 677 तक जा सकता है। अभी अपडेट करने का ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका हाई लो ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए 630-36 हो गया है, इधर 642 तक जा सकता है, इधर देखता है ये 78 के ऊपर गया है, नहीं ना 78 के ऊपर तो अभी तक, हाँ 78 के ऊपर गया है, देखिए 66 से 78 के ऊपर गया है, 72 के 78 के ऊपर ज़्यादा गया है नहीं, 84 तक गया है, लेकिन 66 से इसका फर्स्ट लेवल से पकड़ेंगे तो फर्स्ट लेवल में एक्चुअली टारगेट कम था इसीलिए मैंने वो प्रेफर किया है। तो देखता है कितना दूर तक जा सकता है, 84 तक तो गया है, हो सकता है 9300 का ऊपर जा सकता है। और इधर लास्ट मोमेंट क्या हो सकता है, थोड़ा सा इधर से पता चलता है ऑप्शन चेन का, देख के ऑप्शन चेन में क्या एक्टिविटी चल रहा है, मार्केट क्या सोच रहा है, तो थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देख लेता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है, करता है। इधर देखिए इधर लॉन्ग बिल्डअप हो के रहा है, इधर इधर तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, 9300 के ऊपर जाना इसका मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, और 9300 के ऊपर जाना इसका मुश्किल लग रहा है, और ये नीचे फिर से नीचे घूम के आएगा, ठीक है। और इधर इधर ये आ सकता है 9200 के नीचे आने का पॉसिबल, 9200 इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9200 के आसपास ही आ सकता है, 9200 मतलब आज ही नहीं बाद में, इसके बाद 9000 तक इसका, 9200 के नीचे 9150 9200 के आसपास आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, ताकि 9300 के आसपास जाना। और बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का देखते हैं, वोलेटिलिटी भी एक बार देखना पड़ता है, इधर बैंक निफ्टी भी 19800 के आसपास तो जाने का प्रॉबिलिटी देख नहीं रहा है, इधर 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 19500 का नीचे 19500 तक तो आ चुका है, 19500 का आसपास या 500 का नीचे जाने का प्रॉबिलिटी दिखता है, देखते हैं क्या होता है। और इसका देखिए आई भी इधर बहुत ही बढ़ गया है, इधर भी बढ़ गया है, पीसीआर रेशियो शायद गिर गया है, पीसीआर रेशियो मैंने बोला था आप लोगों को कल, मेरा जो लास्ट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस को जो उसका अंदर जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है उसको ज़्यादा से मतलब बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। तो आप लोग देख, मैंने बोला था कि इसमें अपना ट्रेंड है जरूर, लेकिन इसका डाउन ट्रेंड रिवर्सल होने का प्रॉबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पी सी आर रेशियो कम गया है, आई बी भी कम गिर गया था, और इसका ओपन इंटरेस्ट इंजिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, बहुत ही बढ़ गया था, और आई बी थोड़ा सा नीचे चला गया था, तो इधर और इधर का आई बी अभी इसका दोनों साइड का आई बी बढ़ चुका है, लेकिन प्राइस गिर चुका है इधर,
और इधर हो रहा है तो इधर हो रहा है तो इधर लॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है बहुत फास्ट, मतलब ये पुट का लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है तो ये बहुत फास्ट होगा और इधर इज़ कम्पेयर टू कॉल शॉर्टिंग। ठीक है, दोनों साइड से ही है लेकिन पुट लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा होने वाला है, दोनों साइड ही नीचे इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं इसका, देखिए फिर से ऊपर गए जा नहीं पाया, फिर से ये लौट के नीचे आ रहा है, 78 के ऊपर गया नहीं पाया, सॉरी 9278 के तो ऊपर गया था लेकिन 9284 तक गया था, ये 9300 के ऊपर रहेगा, मिल रहेगा, ये भी पीछे 500 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है लास्ट मोमेंट तक। दिखता है इतना जल्दी, इतना मतलब वोलेटिलिटी है नहीं होता है कि इसका जल्दी से हो जाता है इधर इसका 27, लेकिन लास्ट मोमेंट में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 50-100 पॉइंट फिर से गिर गया, गिर जाएगा लास्ट मोमेंट में, लेकिन मतलब मैंने ये प्रोबेबिलिटी एक बताया, मतलब 9300 का जो ऊपर जो 19800 का जो ऊपर गया तो आसपास मतलब उसका नीचे ट्रेंड देखेगा, यही बात है, नीचे में ये क्लोजिंग देगा, इसका क्लोजिंग नीचे में देगा क्योंकि ये ऊपर मार्केट में बियर्स रूल कर रहा है। तो इसमें क्या हो है, जब मतलब नेक्स्ट के लिए जब जो जो कुछ भी हो बाई या सेल, मतलब कॉल बाइंग पुट सेलिंग या जो कुछ भी हो, लास्ट मोमेंट में जो कुछ भी एक्टिविटी चलेगा वो मार्केट को नीचे लेकर आएगा। देख रहे हैं दोस्तों मार्केट कैसे नीचे आ रहा है, तो बहुत ही बहुत सारा चीज़ है जो देख के मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है, मतलब
मार्केट का डायरेक्शन हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल होता है। ये नीचे आके ही क्लोजिंग देगा दोनों ही, क्योंकि इधर ही जो ऑप्शन चेन का जो एक्टिविटी दिखा रहा है वो भी, और इधर से और भी चीज़ देखना पड़ेगा, एक इसका जो उधर से ओपन इंटरेस्ट का क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है क्या पॉजिटिव हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। इसमें उसमें से भी कुछ पता चलता है, देखिए ऑप्शन इंडेक्स में पी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है, 19,000 का स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी सी का 21,000 में भी वॉल्यूम दिख रहा है, और निफ्टी का 9,500 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है, 9,500 का सी पे, और पी पे उसका नीचे उसका नीचे 9,000 का पी पे भी वॉल्यूम दिखा रहा है। और इसका फीचर्स का क्या देखता है एक बार देख लेता है, फ्यूचर देखिए चेंज हुआ है, नेगेटिव चेंज चेंज दिखा रहा है, ठीक है। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट में जो है 28 मई, जून और जुलाई, ये देखिए तीनों कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नेगेटिव दिख रहा है। तो इसमें से पता चलता है कि क्या, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को भी देख लेता है, ये इधर देखिए तीनों ही नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसी का तरीका से मार्केट को हम लोग मतलब मॉनिटर कर सकता है, मतलब जस्ट एक गेस कर सकता है प्रोबेबिलिटी को, उसके हिसाब से बाय सेल लेवल को पकड़ के हम लोग ट्रेड कर सकता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी हो। मेरा लास्ट आज के लिए जो निफ्टी और बैंक निफ्टी टुमारो जो 4/5/2020 का जो देखिए, उसमें मैंने बोला था कि नीचे रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, ऑप्शन चेन एनालिसिस वाला पोर्शन आप लोग देख सकता है। और जो कल वाला जो वीडियो मैंने डाला था गान का लेवल्स, आप लोग को गान लेवल्स ही दिखाया हूँ, ये जो ट्रेड करता दिखाया है वो गान का लेवल से दिखाऊँ। हाँ, वोलाटिलिटी वेस्ट नहीं दिखा पाया, क्योंकि वोलाटिलिटी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उसको अपडेट नहीं कर पाया। इसको भी मैंने मतलब मेन फाइल को मैंने डिस्टर्ब ना करके हुए इसका दिखा रहा हूँ, ठीक है, गन एंगल्स। बुरेस मैथमेटिकल लेवल्स भी अच्छा काम करता है, वो भी ले सकते थे, लेकिन मार्केट का सिचुएशन जो होता है, मार्केट का वोलेटिलिटी का हिसाब से इसका देखिए 9288 का नीचे, 9264 के नीचे ये 9,240 तक आ सकता था, 9,240 के नीचे। और इधर मतलब मैंने जब ओपन किया था ऑलमोस्ट 19,600 का नीचे, 634 का नीचे चल रहा था, 634 चल रहा था, तो आप लोग देख सकता है लाइव वीडियो, तो उनसे 634 मतलब पीछे बैक करके देख सकते, इधर से मैंने लेते थे तो इधर कितना तक आया था, इधर 530 505 तक इसका आ गया था, 495 आने वाला था, लेकिन पास ये भी कर सकते थे हम लोग। एक्चुअली अपडेटेड कर दिया इसीलिए इसका दिखा था, तब मैंने कैलकुलेट किया तो वो भी ले सकते थे। मैंने वोलेटिलिटी बेस जो है वो ले नहीं पाया है, उसको ट्राई किया था, लेकिन उसका अपडेट करना, एक्चुअली पूरा फाइल नहीं अपडेट करना हो, इसका एक एक करके मतलब इधर से जो डाटा है, आज का जो डाटा है उसको मतलब इधर से पीछे हटाना है, इधर से पीछे इसको पकड़ के इसको पीछे कर देता हूँ, मतलब एक तक 30 से एक तक कर देता हूँ, उसके बाद इधर आज का जो डाटा बैठा था इधर एवरेज चला आ जाता है, इधर जो आज का डाटा बैठा था वो तो इसीलिए मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं, वो बहुत ही टाइम लगता है,
तो उसके बाद इधर से फार्मूला, इधर से पूरा बैठा है जो पोर्शन फार्मूला है उसको बैठा देना चाहता है चाहे, क्योंकि ये जो दिखेगा आप लोग को दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेके। सोच लीजिए सी 282 दिखा रहा है, वो एक सी और सी डी 282 हो जाएगा और सी जी हो जाएगा, तो इसका एक्चुअली ये है सी एच, ठीक है ना। तो इसका लिए इसके लिए इसका इसको सी एच हो जाता है, तो इसीलिए इसको एक्चुअली इसको सी एच को पकड़ना है, तो सी एच को जब पकड़ना है तो इसीलिए ये देखिए इसी को इसीलिए इधर नहीं दिखाया, ये एक्चुअली सी एच होना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब वो टाइम लगता है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया उसको। फिर से ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे है ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, मैं और भी लेवल्स आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत सारा लेवल्स मैंने आप लोग को दिखाते रहूंगा, और बहुत सारा बाय सेल लेवल्स कैसे काम करता है वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोग को आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए मेरा चैनल से, और सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने बहुत सारा वीडियोस डालूंगा जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आप लोग ये कर सकता है क्या बोलता है ट्रेनिंग या कॉल सर्विस जो जिसमें ये देखिए बाजाज ऑटो को बाय किया था, इधर 6 पॉइंट नीचे वाला तो इसका आ गया था 1 पॉइंट का प्रॉफिट, और इधर 3 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया था, इधर अभी इधर 6 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है, अब इधर दिखा रहा है वो जैसा था ऐसा ही हो गया है। तो इधर से भी बहुत आसानी से मतलब पेयर ट्रेडिंग में आर्बिट्रेज से ये पेयर ट्रेडिंग का बहुत आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है इंट्राडे में। डिलीवरी भी हो सकता है, डिलीवरी का ये मैंने कोरिलेशन पे मतलब के अंदर चेंज इन प्राइस मतलब होता 7 दिन है, 7 दिन का हिसाब से, 7 दिन का हिसाब से, 15 दिन का हिसाब से, और ये मतलब क्या बोलता है कौन सा चेंज इन प्राइस कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है वो देख के एक को बाई करना है उसको सेल करना है, ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट आता है। हाँ ये क्या बोलता है आर्बिट्रेज में एकदम श्योर देता है, क्योंकि वो फ्यूचर और कैश फ्यूचर हो जाता है जब एक्सपायरी का डेट में, लेकिन उसमें आप लोग को कैपिटल भी ज़रूरत ज़्यादा होता है, कैपिटल का भी ज़रूरत ज़्यादा होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इतना अच्छा नहीं रहता है। तो इसमें से पेयर और आप लोग को सेफ भी है, रिस्क है लेकिन बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोग को प्रॉफिट एक साइड में जरूर रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एटलीस्ट 90% के ऊपर आप लोगों को प्रॉफिट ही मिलेगा। नाइन्टी 95% टाइम आप लोग को प्रॉफिट ही मिलेगा। इधर देख सकता है इधर कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग में मैंने इधर चेंज इन प्राइस 7 दिन का हिसाब से रुक रहा है
वन डे का हिसाब से 7 दिन का, वन डे का हिसाब से तो करते ही हो, 7 दिन का हिसाब से चेंज इन प्राइस, 15 दिन का हिसाब से, और कौन सा गेन किया है कौन सा लूज़ किया है उसी का हिसाब से, कौन सा किसको बाई करना है किसको सेल करना है, इधर से करके रखा है। तो इधर आप लोग डिलीवरी भी, डिलीवरी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप लोग कर सकता है ट्रेनिंग, कर सकता है ट्रेनिंग या कॉल से। तो देखते रहिए आप लोग, मैंने तो जितना दिखाना दिखा दिया और जो बोलना था बोल दिया, तो फिर से तो मैंने सभी समय हूँ आप लोगों के साथ, तो देखते रहिए। मैंने अभी वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, फिर से आऊँगा निफ्टी बैंक निफ्टी लेके, और भी बहुत सारा गैनबोर्ड वीडियोस और जो हेल्पफुल जो वीडियोस आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा वो वीडियोस मैंने डालते रहूँगा। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसलिए से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो पसंद होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करने के लिए नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को मेरा भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ आदमी लोग को पसंद आता है, और नहीं अच्छा लगेगा तो ठीक है डिसलाइक करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है।